हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम बहुत करीब हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी अच्छे से होगी। हम आज मैथमेटिक्स में टॉपिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने बेसिक नॉलेज तो इसकी कर ली होगी, अब एग्जाम के लिए रिवाइज या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम कंप्लीट कराएंगे और जो भी बेसिकली चीज़ें होंगी इसमें उनको बताएंगे। तो स्टूडेंट, आप बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में मैथमेटिक्स में 35 मार्क्स का कैलकुलस है, जिसमें डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग होती है। अगर डिफरेंशिएशन कंफर्म नहीं हुआ है तो ये 35 मार्क्स आप समझें कि बहुत ही कम चांस है कि इसमें से मार्क्स आए, क्योंकि टोटली जो भी इस पे डिपेंड है वो डिफरेंशिएशन पर है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन, और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप बताएं कि आपको इंटीग्रेशन पर भी वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि कुछ फार्मूलाज यहाँ पर ध्यान रखने होंगे। अब फार्मूलाज क्या हैं? बिना फार्मूलाज के आप डिफरेंशिएशन याद या कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। सिंपली कुछ फार्मूले हैं जो आपके बेसिकली याद ही होंगे, मुझे उम्मीद है, बट अगर नहीं है तो इनको याद कर लें, इनके बगैर क्वेश्चन नहीं होंगे। सबसे पहला कि अगर एक्स टू द पावर एन पर डेरिवेटिव अप्लाई होता है डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स क्या है ये बेसिकली डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं, बट इतना ही यहाँ से याद कर लें डी अपॉन डी एक्स के रूल्स क्या हैं। क्वेश्चन में आएगा वहां पर क्लियर करा देंगे, बट ये फार्मूलाज हैं कि जिनको याद करना है कि डी अपॉन डी एक्स अगर साइन एक्स पर अप्लाई होगा तो कोस एक्स बन जाएगा, एक्स की पावर एन पर होगा तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन बनेगा, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से कोस एक्स का माइनस साइन एक्स बन जाता है और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ये सभी फार्मूलेज हैं, आप ध्यान से इनको याद कर लें तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स और ए टू द पावर एक्स का और ए टू द पावर एक्स का। देखिए ए टू द पावर एक्स का डायरेक्टली 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पता कर लिया था, ओनली फार्मूलों को याद कराने के लिए कि फार्मूला याद है या नहीं है। नेक्स्ट ए टू द पावर एक्स का आप देख सकते हैं और लॉग ई एक्स 1/x होता है, बेस में ई है, यहाँ पर ध्यान रखना। ई टू द पावर एक्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लें हम। ई टू द पावर एक्स कि अगर बात करें ई टू द पावर एक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल कहते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसका डिफरेंशिएशन भी ई टू द पावर एक्स रहता है और इंटीग्रेशन भी ई टू द पावर एक्स रहता है, ये आप समझ के चलें। और ज्यादातर मुझे लगता है कि फार्मूलाज याद भी होंगे, कुछ ने इंटीग्रेशन भी कंप्लीट कर लिया होगा, बट जिनको नहीं हो पाया है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनवर्स। देखिए इनवर्स में भी आपके 6 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएंगे। तो वहां से आप देख सकते हैं कि पहला साइन इनवर्स एक्स को आपको जब हम डी अपॉन डी एक्स इसका फाइंड करेंगे तो 1/√(1 − x²) आएगा, और कोस इनवर्स एक्स का माइनस में रहता है, टेन इनवर्स एक्स का 1/√(x²), कोट इनवर्स एक्स का, ये आप सभी ध्यान से इनको देख लें, ये फार्मूलाज काम आने वाले हैं। इसके बाद कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि 3 टाइप के फार्मूलाज होंगे जो आपको याद रखना होगा कि डी अपॉन डी एक्स अगर आपका दो फंक्शन पर लगता है और वो फंक्शन प्लस में होते हैं तो ये अलग अलग बट जाता है। पहला इसमें फार्मूला ये ध्यान रखना पड़ेगा, f प्लस डी अपॉन डी एक्स और g सबसे पहले। और एक और है, इससे भी पहले आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर ऐसे है जैसे कोई कांस्टेंट है a और यहाँ पर फंक्शन ऑफ f है, एफ एक्स कह सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये जो डिफरेंशिएशन का कांस्टेंट टर्म जो आपके यहाँ से ए सपोज की गई है जिसमें मतलब एक्स नहीं है उससे कोई लेना देना इसका नहीं होता, वो बाहर निकल आता है और डी अपॉन डी एक्स ये एक्स वाली टर्म पर ही अप्लाई होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो यहां से है कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स वालों पर ही अप्लाई होगा, बाकी कॉन्स्टेंट टर्म से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, बाहर निकल आता है वो। और डी अपॉन डी एक्स आप देख सकते हैं कि अगर एफ इंटू जी है, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से रूल लगता है प्रोडक्ट रूल, जिसका तरीका ये है कि फर्स्ट को आप एज इट इज छोड़ सकते हैं और डी अपॉन डी एक्स आप सेकेंड पर लगा सकते हैं, जो सेकेंड यहाँ पर जी है, फिर नेक्स्ट सेकेंड को आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं और डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट पर लगा सकते हैं, जो आप पर यहाँ पर एफ है। और एफ और जी क्या है, ये फंक्शन है एक्स के, जैसे साइन एक्स और कोस एक्स हो सकता है, या एक्स और साइन एक्स हो सकते हैं। और इसी तरीके से डी अपॉन डी एक्स आपका दो फंक्शन का डिवाइड का फार्मूला है, वो आपका ऐसे आएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज और नोमिनेटर आपका, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यहाँ से माइनस आता है, और न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर जो भी होगा उसका डिफरेंशिएशन मतलब जी, और नीचे क्या आता है इसमें जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका स्क्वायर आता है। तो इस तरीके से ये फार्मूलाज हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो सभी फार्मूलाज और ये सभी फार्मूलाज, इतनी स्टार्टिंग तो आपको याद करनी पड़ेगी डिफरेंशिएशन में। ये पूरे चैप्टर का कवर किया है, अगर आप टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज या आप बात करें एक्सरसाइज वाइज इसको कंप्लीट करते हैं, तो इतने फार्मूलाज स्टार्टिंग में नहीं आते, और इसमें से कुछ तो 11th क्लास के हैं और कुछ 12th क्लास में आपका यूज होते हैं। 11th क्लास का पूरा डिफरेंशिएशन 12th क्लास में यूज होगा। क्वेश्चन फर्स्ट ही स्टार्ट कर रहे हैं, द डेरिवेटिव ऑफ 3 to the power x विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन ने आपसे डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव का मतलब और 3 to the power x मांगा है, तो ये क्या होता है? आपको फार्मूले पे जाना पड़ेगा। डी अपॉन डी एक्स ए टू द पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है कि ए टू द पावर एक्स तो ऐसे ही रहता है और लॉग ई ए आ जाता है, तो यहाँ से ए क्या है, ए 3 है, तो इसका मतलब है 3 to the power x ऐसे रहेगा और log e 3 आ जाएगा। तो इसमें तो तीन ऑप्शन में कोई नहीं है वैसे ये वाले, लेकिन और इसका डी ऑप्शन आप कह सकते हैं कि 3 to the power x log e 3, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं इसको, मतलब फार्मूले पर ही क्वेश्चन पता कर लिया, फॉर्मूला क्या है वही क्वेश्चन है उस पर ही। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है, बट हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको 25 दिया है, डीवाई अपॉन डी एक्स पता करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करें जिसमें एक्स और वाई के साथ इक्वेशन होती है, तो यहां से आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25, यहां से आप लैंग्वेज लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है कि डी अपॉन डी एक्स आपका हर एक टर्म पे अप्लाई हो जाएगा, ये मतलब है इसका, डी अपॉन डी एक्स हर एक टर्म पे अप्लाई होने का मतलब है कि इस पर भी होगा और राइट साइड में भी होगा, ये ध्यान रखें, हर एक टर्म पर डी अपॉन डी एक्स। तो जिनको ये क्वेश्चन आता है वो जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकालें, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और पेन कॉपी हाथ में लेकर प्रैक्टिस करें तो बेहतर है। तो यहाँ से डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर 2, यहाँ से अब कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पर मेन बात है। देखिए एक्स टू द पावर 2 में एक फार्मूला आपको बताया गया है कि एक्स टू द पावर एन, एक्स की कोई पावर हो उसको डी अपॉन डी एक्स कैसे चेंज करता है, तो ये चेंज ऐसे करता है कि पावर आगे जाती है और पावर एक कम हो जाती है, तो वही काम होगा, यहाँ से पावर आगे आ जाएगी और पावर इसकी एक कम हो जाएगी, चलिए ये हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाँ ये चेन रूल बनेगा। देखिए क्या होगा, वाई स्क्वायर है तो वाई को ऐसे समझेंगे जैसे एक एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का काम क्या होता है कि पावर आगे आती है और पावर एक कम हो जाती है, तो बिल्कुल इसको एक्स समझ के काम कर लेंगे, और जब वाई को एक्स समझ के काम कर लेंगे तो उसके साथ बट डी वाई अपॉन डी एक्स जरूर लगाएंगे, ये ध्यान रखना, डी अपॉन डी एक्स जब वाई स्क्वायर होगा तो वाई को एक्स समझ के काम कर लेंगे, एक्स स्क्वायर की जैसे करते हैं पावर आगे आएगी पावर एक कम हो जाएगी, वही काम किया है, लेकिन इसके साथ डिफरेंशिएशन वाई का और करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स
ऐसे और किसी भी क्वेश्चन में होगा। और यहाँ से इक्वल, इसकी वैल्यू तो आप जानते होंगे क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, और डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म का नहीं निकाला जा सकता है, वो एक्स वाली टर्म का निकाला जा सकता है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, 2x की पावर 1 बन जाएगी प्लस 2y की पावर 1 बन जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू dy अपॉन dx हो जाएगा। अब बहुत जल्दी इसका आंसर निकालें, इक्वल 0, हमें dy अपॉन dx निकालना था, तो आप 2y dy अपॉन dx इक्वल -2x बनेगा इधर आकर, तो dy अपॉन dx की वैल्यू सभी की आ चुकी होगी -x/y, इस तरीके से इसको कर सकते हैं, उसे 2 कैंसिल, इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, बहुत कुछ बातें सीखेंगे, और आप सभी ज्यादातर उम्मीद है जानते ही होंगे, क्लास 12th की लास्ट टाइम है, पूरा मैथमेटिक्स आपने कंप्लीट कर लिया होगा, बट प्रैक्टिस जरूर करते रहें, और जो भी क्वेश्चन सामने आता है कंपटीशन के हिसाब से या फिर किसी भी अनसोल्व पेपर में या प्रैक्टिस सेट में, कहीं भी उसको सोल्व करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 इस सीरीज का बन रहा है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर वाई की वैल्यू sin x + y है तो डी अपॉन डी एक्स आपसे मांगा है। क्वेश्चन अच्छा है, तो आप इसको सॉल्यूशन करेंगे। यहां से सबसे पहले वाई इक्वल है आपका sin x + y अंडर रूट। तो अब क्या होगा, सबसे पहले अंडर रूट का काम खत्म करते हैं। अंडर रूट का काम खत्म करने के लिए क्या होगा, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर टेक स्क्वायर बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर इक्वल sin x + y, या स्क्वायर साइड जाएगा अंडर रूट, उधर स्क्वायर बन जाएगा। अब आप यहां से वही बात लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से डी अपॉन डी एक्स पहले वाली बात सभी पर लगानी होगी, और इधर डी अपॉन डी एक्स इस पर भी लगेगा, पहली टर्म साइन एक्स है, और प्लस डी अपॉन डी एक्स आपका वाई पर लगेगा। अब क्या होगा, यहां से वाई स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर समझ के काम करेंगे, बिल्कुल एक्स स्क्वायर का क्या होता है, वाई स्क्वायर है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर समझ के काम करेंगे। एक्स स्क्वायर का डी अपॉन डी एक्स कैसे होता है कि पावर आगे जाती है, पावर 1 कम हो जाती है, तो ये वाई है तो वाई की पावर 1 कम हो जाएगी, 2 - 1, इसका काम खत्म होने वाला है, बट डी अपॉन डी एक्स जो है वाई पे भी अप्लाई होगा, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाता है। तो जहां भी वाई का डिफरेंशिएशन किया जाएगा वहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स जरूर आएगा, ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ पर सिंपल फार्मूला है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, आपने फार्मूला देखा होगा, इसकी वैल्यू कोस एक्स से जानी है, और प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से फिर आ गया, क्योंकि इसमें कुछ नहीं कर सकते, वाई अकेला है सिंगल है, तो वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म ये है और एक ये है, दोनों टर्म एक साइड आप कर सकते हैं, तो 2y dy/dx - dy/dx इक्वल आपका कोस एक्स चल रहा है, तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन हो सकती है, तो 2y - 1 और डी वाई अपॉन डी एक्स सभी को दिख रहा होगा कोस एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर यहां से मिल चुका है कोस एक्स अपॉन 2y - 1। कौन सा है, कोस एक्स अपॉन 2y - 1, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन था, इतना ही करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन जिसने डिफरेंशिएशन कंफर्म कर लिया वही इंटीग्रेशन कर पाएंगे हम। नेक्स्ट सीरीज हमारी इंटीग्रेशन पर रहेगी, कंप्लीट इंटीग्रेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम कराने की कोशिश करेंगे, तो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो कमेंट में जरूर बताएं कि इंटीग्रेशन की वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन इस सीरीज का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 4 बनने जा रहा है, क्या है, फाइंड
फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर लॉग एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए डिफरेंशिएशन कितने टाइप से किया जाता है, वो सब क्वेश्चन जैसे आएंगे उसका डिस्कशन किया जा रहा है। यहाँ पर जब क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू एक्स की जगह कुछ और कह देता है, तब क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है वो देखें यहाँ से। तो आप सबसे पहले पहली वाले जो फंक्शन दिया है एक्स टू द पावर लॉग एक्स, इसको आप वाई वन सपोज कर सकते हैं, वाई वन इक्वल टू एक्स टू द पावर लॉग एक्स, ठीक है। और जो सेकंड दिया है उसको आप वाई टू सपोज कर सकते हैं लॉग एक्स। अब क्या करना है, इसके रेस्पेक्ट का है विद रेस्पेक्ट टू लॉग एक्स सेकंड के मतलब वाई टू के, तो आपको क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड डी वाई वन अपॉन डी वाई टू, जिसके रेस्पेक्ट क्या है उसको अपॉन में लिख के वो फाइंड करना है डी के साथ। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का काम खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू लॉग एक्स का है, तो लॉग एक्स का मतलब आपने वाई टू सपोज कर लिया, तो जिसके रेस्पेक्ट क्या आता है वो डी के साथ नीचे आता है, इतनी बात ध्यान रखनी है आगे। अब ये लिख तो दिया, इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये आपको फाइंड करना है। तो आप यहां से इसी को लेंगे, तो यहां से कैसे लेंगे, देखो इसको हम इसी से बात कर रहे हैं, डी वाई वन अपॉन डी वाई टू। चलिए इसका मतलब हम एक काम और कर सकते हैं, यहां से डी वाई वन अपॉन डी एक्स कर सकते हैं, मतलब डी एक्स से डिवाइड डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, डी एक्स से यहां पर डिवाइड किया, यहां पर डिवाइड किया। अब दोनों में डिवाइड किया है तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला, लेकिन अपना काम निकल जाना है, हमें अपना काम निकालना है जितनी आसानी में हो सके। अब मैंने सर्किल किए हैं, देखो ध्यान से, डी वाई वन अपॉन डी एक्स, इसका मतलब है कि वाई वन आपका ये है, इसका डी एक्स अपॉन में, इसका मतलब है इसका डिफ्रेंसिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो अब क्या करने वाले हैं हम, यहां से आप डिफ्रेंशिएट इसको फर्स्ट कह सकते हैं, इसको सेकंड कह सकते हैं, डिफ्रेंशिएट वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वन क्या है, वाई वन, तो वाई वन के साथ डी अपॉन डी एक्स लग जाना है हर एक टर्म में, लेकिन यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स लगा तो देते, बट ये क्या है, ये एक्स की पावर में एक्स है। अब यहाँ पर भी एक रोल है, एक्स की पावर में जब एक्स आता है तो वहां पर लॉगरिथम काम आता है, लॉग काम आता है, लॉग जो फंक्शन है। अब लॉग कैसे काम आता है, यहां से डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो हमने लिखा है, ये अभी फिलहाल काम नहीं आने वाला है, ये मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद आएगा। अब वो कैसे आएगा देखो, यहां से आप फ्रॉम वन, वन से बात कर रहे हैं, वन क्या है, वाई वन इक्वल एक्स टू द पावर लॉग एक्स, चलिए ये बात कर रहे हैं। अब एक्स की पावर लॉग एक्स है, मतलब एक्स में एक्स की पावर में एक्स है, तो यहां से टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, तो यहां से क्या होगा, यहां से लॉग वाई वन आएगा इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर लॉग एक्स आएगा। तो अब जानते हैं कि एक्स किसी लॉग के अंदर पावर की अगर कोई टर्म हो, पावर में होती है तो पावर आगे जाती है, ये कंफर्म करना है इसमें, बस थोड़ा सा वर्क करना है मतलब। तो यहां से तो लॉग वाई वन ही रहेगा और इधर लॉग एक्स आपका इधर आ जाएगा इनटू, और लॉग एक्स आपका ये जाएगा, तो यहां से क्या बन रहा है, सिंपली आप देख सकते हैं लॉग एक्स, सॉरी, तो यहां से बनेगा लॉग वाई वन इक्वल टू लॉग एक्स की पावर टू बन जाता है। अब यहां से डिफ्रेंशिएट करते हैं, चाहे लिख लें या ना लिखें, विद रेस्पेक्ट टू एक्स आप लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से क्या बनेगा कि लॉग की क्या प्रॉपर्टी है, लॉग में जब डी अपॉन डी एक्स लगाते हैं, चलिए लगाकर दिखाते हैं, डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई वन इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर। तो अब यहां से हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई वन इक्वल डी अपॉन डी एक्स
लॉग एक्स स्क्वायर, ये है आपके पास। इसको कैसे सॉल्व करें? तो लॉग का फार्मूला मैंने बताया अभी पीछे, वो अप्लाई करेंगे। लॉग के अंदर जो भी नंबर होता है वन के अपॉन में चला जाता है, और अगर ये एक्स नहीं है तो वाई है, तो डीवाई अपॉन डी एक्स आता है, तो यहाँ पर डीवाई वन अपॉन डी एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसकी पावर टू है, तो ये ऐसे काम करेगा जैसे एक्स हो, टोटली एक्स हो ये, तो एक्स की पावर टू का फार्मूला पावर आगे जाती है, और पावर जो है एक कम हो जाती है, एक कम का मतलब 2 माइनस 1। और जिसको आप x समझ के काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये चेन रूल होता है d अपॉन डी एक्स, उसका भी होता है। जिसको x समझाए, किसको समझाए, log x को, तो इसका d अपॉन डी एक्स होगा। तो वन अपॉन वाई वन डी वाई वन अपॉन डी एक्स इक्वल डी वाई वन अपॉन डी एक्स इक्वल टू log x की पावर वन इंटू, जब डी अपॉन डी एक्स लोग एक्स का सिंपल फार्मूला वन अपॉन एक्स हो जाएगा। आपको पता करना है डी वाई वन अपॉन डी एक्स, आपको पता करना है डी वाई वन अपॉन डी एक्स। तो डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है, इस वाई वन के टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं, टू वाई वन इधर पहुंच जाएगा, वाई वन टू के साथ मल्टीप्लाई में, और अपॉन मैंने ये वाला एक्स इसके साथ लिख दिया इंटू लोग एक्स, ये आपकी डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, जिसकी जरूरत थी आपको इसमें। देखिए इसमें जरूरत थी ना ये वाली, तो इसकी वैल्यू आपने पता कर ली। अब क्या पता करना है कि dy/dy2/dx जो इससे मिलेगा, चलिए देखते हैं कैसे मिलेगा। वाई टू की वैल्यू है log x, तो वाई टू की वैल्यू है यहां से log x। डिफ्रेंशिएट करते हैं d/dx वाई टू इक्वल डी अपॉन डी एक्स लोग एक्स, तो यहाँ तो डी वाई टू अपॉन डी एक्स सिंपली बन गया, और यहां से ये भी आपका वन अपॉन एक्स आ गया। अब आप देख सकते हैं डी वाई टू अपॉन डी एक्स टोटली मिल गया। आपसे जो आंसर मांगा है, देखते थोड़ा नजर दौड़ाते हैं क्या है, डी वाई वन अपॉन डी वाई टू ये मांग रहा है आपसे, और इसकी वैल्यू डी वाई वन अपॉन डी एक्स और डी वाई टू अपॉन डी एक्स को डिवाइड करके मिलेगी, तो डिवाइड कर दीजिए। आपसे मांगा है डी वाई वन अपॉन डी एक्स, सॉरी डी वाई वन अपॉन डी वाई टू, ये डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू अपॉन में ऊपर लिखेंगे, टू वाई वन अपॉन एक्स इंटू लोग एक्स और अपॉन में डी वाई टू अपॉन डी एक्स जो आपका वन अपॉन एक्स है। अब यहां से ये पावर एक्स इससे एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या बनेगा, डी वाई वन अपॉन डी एक्स आपका आ जाएगा टू वाई वन लोग एक्स। और टू वाई वन का मतलब क्या है, वाई वन किसको सपोज किया था, एक्स टू द पावर लोग एक्स को, और ये लोग एक्स आपका एस टी, तो कुल मिलाकर ये आपका आंसर फाइनली दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप किस फार्मूले को कवर किया हमने, डी वाई वन अपॉन डी वाई टू को डी एक्स से डिवाइड करके उन दोनों की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशनों की हेल्प से निकालते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। तो चलिए आगे देखते हैं फिर, क्वेश्चन 4 होगा आज की सीरीज का, के वाई इक्वल साइन स्क्वायर एक्स है, इसका डीवाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालें, बड़ा सिंपल है, करें ध्यान से। वाई कितना है, साइन स्क्वायर एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा, इधर डी अपॉन डी एक्स अप्लाई हो जाएगा, इधर डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर अप्लाई होगा, साइन एक्स का स्क्वायर कह सकते हैं इसको। बस हो गया क्वेश्चन, इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। क्या करेंगे, साइन एक्स की पावर टू है, इसको सबको एक्स समझ सकते हैं, एक्स की पावर टू क्या करते हैं, पावर आगे आती है, पावर एक कम हो जाती है यहाँ से, सॉरी ये एक्स समझ रहे हैं, है नहीं, है क्या ये साइन एक्स, समझ के काम करना और होना अलग बात है,
एक्स समझ के काम कर रहे हैं बट है साइन एक्स, इसकी पावर एक कम हो जाएगी, और जिसको एक्स समझ रहे हैं डी अपॉन डी एक्स उसका करेंगे। तो मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए अब, तो साइन एक्स की पावर 1 आ जानी है, 1 लिखे या ना लिखे मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स सिंपली फार्मूला जानते होंगे सभी, कोस एक्स होता है, तो यह आ जाता है 2 sin x into cos x। और इसका मतलब ये भी फार्मूला है क्या, 2 sin x into cos x ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, बताएं क्या है। आ गया होगा आंसर sin 2x, sin 2x। तो यहां से आप इसको आंसर कह सकते हैं कि sin 2x इसका ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन में मिले क्वेश्चन मैटर नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप मिलता है या आपको कंप्लीट कराने के लिए मिलता है, बट आपको करते चले जाना है। तो आगे देखते हैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 कह सकते हैं इसको, इस सीरीज का। वाई इक्वल कोस ब्रैकेट साइन एक्स और डी अपॉन डी एक्स मांगा है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां से आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, क्या कहा है, वाई इक्वल कोस ब्रैकेट साइन एक्स, ध्यान से देखें डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, इधर क्या मिलेगा कि इधर अभी मिलेगा कुछ नहीं, डी अपॉन डी एक्स अप्लाई करेंगे कोस और कोस के ब्रैकेट में साइन एक्स। चलिए अब इधर तो हमें कुछ नहीं करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स जो करना है वो इधर करना है, ध्यान से देखें। डी अपॉन डी एक्स कोस के अंदर साइन एक्स है, अब ये अगर कोस एक्स होता सिंपल तो उसका माइनस साइन एक्स कर देते फार्मूला है, लेकिन कोस के अंदर अगर साइन एक्स है तो क्या दिक्कत है, इसको जो ब्रैकेट के अंदर इसको एक्स सपोज कर सकते हैं, मान सकते हैं, तो एक्स मान के चलेंगे, कोस एक्स का क्या बनेगा, माइनस साइन क्या बनेगा, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, बताएं डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स फार्मूला है, माइनस साइन एक्स होता है, तो अब कोस की जगह बन जाएगा माइनस साइन एक्स, नहीं लिखेंगे एक्स की जगह क्या मान के चल रहे हैं, साइन एक्स को। चलिए अब जिसको एक्स मान के चल रहे हैं उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, डी अपॉन डी एक्स करना है। चलिए आगे चलते हैं, तो मुझे लगता है कि हो गया क्वेश्चन, साइन साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इसका सिंपल फार्मूला बताएं, ये तो याद होगा, ये आता है कोस एक्स, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं कोस एक्स। तो यहां से आप इसको कह सकते हैं माइनस कोस एक्स पहले लिख दें इनटू साइन ब्रैकेट साइन एक्स, ये इसका आंसर हो जाना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, तैयार कर लें इनको अच्छे से, जहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत सारी बातें आती हैं इसमें, बहुत सारे जो कंसेप्ट आते हैं तरीके आते हैं जो क्वेश्चन में आता है उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इस को क्वेश्चन नंबर पिछला क्या क्या था, क्वेश्चन 6 का था, इसको क्वेश्चन नंबर 7 का नाम देते हैं। यहां से आप क्या गिवन है, यहां से देखें एक्स इक्वल साइन स्क्वायर टी और वाई है कोस स्क्वायर। इस क्वेश्चन के वैसे एक तरीका और भी हो सकता है, और
चलिए एक ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा सिंपली टाइप से कराते हैं इसको। एक नंबर में क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो जितना हो सके। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में अगर चले जाएं, साइन स्क्वायर ध्यान से जाएं, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी बताएं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। चलिए आती होगी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, अगर मैं साइन स्क्वायर टी कर दूं और यहाँ कोस स्क्वायर टी कर दूं, तब वैल्यू कितनी आएगी? उम्मीद आंसर आ गया होगा, 1 ही आएगी। साइन में स्क्वायर हो, कोस में स्क्वायर है, एंगल चाहे कुछ भी हो, दोनों का सेम होना चाहिए, वैल्यू 1 आती है। तो मुझे यहाँ पर एक साइन स्क्वायर दिख रहा है, एक कोस स्क्वायर दिख रहा है, अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ तो 1 बन जाते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ, कर सकता हूँ, ये बनेगा साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी। अब देखें आगे, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी क्या बन जाएगा? अभी तो बताया था मैंने, 1 बन जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट कर दें, हर एक में डी अपॉन डी एक्स लगा दें, डी अपॉन डी एक्स एक्स आ जाएगा और प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई जाएगा, ये आपका डी अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आपको इसकी जरूरत नहीं होती होगी अब डी अपॉन डी एक्स लगाने की, आप डायरेक्टली इसके आंसर पता कर सकते हैं। एक्स का डेरिवेटिव आपका जानते हो कि 1 आता है, और ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स ही रह जाएगा और इधर 0 हो जाएगा। तो अब इसका आंसर कैसे लिखें? डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू -1, क्योंकि इस 1 को राइट में अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो ऑप्शन आपका सी है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और वैसे कैसे करते हैं इसको, देखिए अगर मान लीजिए ऐसा नहीं बनता कि 1 नहीं बनता, तब तब देखते हैं कैसे करते। अगर ये मान लीजिए पिछले क्वेश्चन में की तरह यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर टी में नहीं होता, मान लीजिए एक पावर 2 होती, एक पावर 3 होती, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, मतलब 1 नहीं आता, तब क्या करते? तो मेरा क्वेश्चन है, एक्स इक्वल साइन स्क्वायर टी होता, मैं समझा रहा हूँ उसको, और वाई इक्वल कोस स्क्वायर, स्क्वायर नहीं, कोस की पावर थ्री टी होता, तब क्या करते? तब आप क्या करते? देखिए आप इसका डेरिवेटिव करते टी के रेस्पेक्ट, और आप ऐसे पता कर रहे हैं ना, डीवाई अपॉन डी एक्स पता करना है आपको, तो आपको मैंने बताया था कि डीवाई के अपॉन में डी टी कर देंगे और डी एक्स के अपॉन में डी टी कर देंगे। अब ये क्यों किया है? वो तो क्वेश्चन बताया कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, बट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे अपना काम निकल जाएगा। तो यहाँ से डीवाई अपॉन डी डी टी कहाँ से मिलेगा और डी एक्स अपॉन डी टी कहाँ से मिलेगा, इसका फोकस करना है। तो देखें डी वाई अपॉन डी टी कहाँ से मिलेगा, डी वाई अपॉन डी टी मिलेगा इससे और डी एक्स अपॉन डी टी मिलेगा इससे। तो कैसे करेंगे, एक्स इक्वल आपका साइन स्क्वायर टी है, तो डी एक्स अपॉन डी टी मिल जाएगा। यहां से डिफ्रेंशिएट करने पर पावर का पावर आगे आएगी, पावर 1 कम हो जाएगी, 1 कम का मतलब तो सिंगल बनी बनेगी और साइन टी बनेगा। और साइन टी को आप सपोज कर रहे हैं टी समझ के काम कर रहे हैं, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट है, तो अब एक्स समझ के काम नहीं करेंगे, टी समझ के काम करेंगे। साइन टी का आपका डी अपॉन डी टी, आप कहेंगे के साइन टी आएगा, तो 2 sin t और इनटू साइन टी का डेरिवेटिव आता है कोस टी, तो ये आपका 2 sin 2t आ जाएगा, मतलब फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। अब आगे इसी तरीके से डीवाई अपॉन डी टी पता करेंगे, डीवाई अपॉन डी टी इससे पता करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे डीवाई अपॉन डी टी, सिंपली इधर पावर आगे आएगी, पावर 1 कम हो जाएगी, और डी अपॉन डी टी आपका जिसको टी सपोज कर रहे हो, कोस को कर रहे हो, तो कोस टी आएगा। तो यहाँ से 3 cos² t और कोस टी का जाएगा -sin t, डीवाई अपॉन डी टी आ जाता है। तो अब आपको डीवाई अपॉन डी एक्स पता करना है,
तो डीवाई अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर दें इसमें, ऊपर आ जाएगा डीवाई अपॉन डी टी 3 cos² t इंटू -sin t और अपॉन में आ जाएगा आपका जो dx अपॉन डी टी ये वाला, या ये वाला अप्लाई कर सकते हैं 2 sin t, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैंसिल होने के चांस है, sin t इंटू cos t, मतलब ये वर्किंग रहेगी, साइन साइन कैंसिल कर सकते हैं आप और बाकी कोस से एक पावर कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से 3/2 और माइनस का ये वाला रहेगा तो cos t। तो अगर तरीका तो इसका ये है, बट कहीं कहीं जब एक नंबर क्वेश्चन आता है तो आपको ट्रिकी भी मिल जाता है कि आसानी में क्वेश्चन हो जाए, इतना लेंथी ना जाए, तो स्क्वायर में अगर मिलेगा तो आप वहां से कर सकते हैं, बट तरीका इसका ये है इस तरह का क्वेश्चन करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं अब, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 बनेगा ये आज की सीरीज का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन 7 था। चलिए तो क्वेश्चन 8 है यहाँ से, y इक्वल टू log 1 - x² अपॉन log, सॉरी log में 1 - x² अपॉन 1 + x² डिवाइड अपॉन dx मांगा है। देखिए log वाला क्वेश्चन चल रहा है तो log की कुछ प्रॉपर्टी मैं बता दूं, लॉग में अगर a इंटू बी होता है, बेस कुछ भी हो तो बट जाता है प्लस में, अलग अलग प्लस में जाता है, और लॉग अगर a टू द पावर b हो तो पावर आगे आती है, अप्लाई हो भी गया है a बन जाता है, और लॉग में अगर a अपॉन b हो तो वो बन जाता है log a माइनस log b। तो ये तीन रूल हैं जो लोग के अप्लाई कर लेते, तीन से काम चल जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, लग रहा है इसके अपॉन में ये डिवाइड वाला रूल काम कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से y क्या दिया है, log 1 - x² अपॉन 1 + x². चलिए दिया था, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लॉग में अलग अलग हो जाएंगे, 1 - x² और माइनस आएगा बीच में देखो इसके अकॉर्डिंग, और log 1 + x². अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम डिफ्रेंसिएशन करने वाले हैं, तो यहाँ से डिवाई अपॉन डीएक्स लिखेंगे, यहाँ से लॉग का डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे अप्लाई होगा इस पे भी, डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा और इस पर भी डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा, हम एक स्टेप शॉर्ट कर रहे हैं। तो लॉग में अंदर जो होता है 1/1 में जाता है, 1/1 - x² और अगर ये एक्स नहीं है कुछ और है जैसा कि ये 1 - x² तो उसका भी होगा 1 - x². चलिए माइनस, यहाँ पर वही काम होगा कि लॉग के अंदर है डी अपॉन डी एक्स इसका लगा हुआ है तो 1/1 में जाएगा ये भी 1 + x² और यहाँ से ये भी आपका जो जिसका जो नीचे गया है वो x नहीं है मतलब कुछ और है तो इसका भी आपका होगा डिफरेंस, तो यहाँ से 1/1 - x² आ गया, और d अपॉन dx जब यहाँ पर अप्लाई करेगा तो ये 1 के पास भी जाएगा और x² के पास भी जाएगा, जब 1 के पास जाएगा तो कांस्टेंट टर्म में इसका तो 0 हो जाएगा और जब x² के साथ जाएगा तो ये पावर आगे आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी, चलिए 1 बन जाएगी, माइनस 1/1 + x² आएगा और यहाँ से 1 का 0 और प्लस वही पहले वाला काम, पावर एक कम हो जाती, तो -2x/1 - x² और -2x/1 + x² ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको, 2x कॉमन कर सकते हैं फिर सोल्व कर सकते हैं, तो आप अगर यहाँ तक कर लेते हैं तो भी आंसर माना जाएगा, बट सिंपलीफाई भी करना जरूरी है। चलिए सिंपलीफाई करके देखते हैं क्या आता है इसमें, यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ हो सकता आ जाए, -2x/1 -2x/1 - x² एंड -2x/1 + x² तो यहाँ से आप -2x कॉमन कर सकते हैं, 1/1
वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस यहाँ पर अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एंड नेक्स्ट ब्रैकेट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं इसको, ये कैंसिल हो जाते हैं, वन और वन टू हो जाता है अपॉन, ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो वन माइनस वन स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर, तो मतलब एक्स टू द पावर फोर हो जाएगी। तो माइनस फोर एक्स अपॉन वन माइनस एक्स टू द पावर फोर, ये इसका फाइनल आंसर इसमें मिलेगा। तो ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए आज की इस सीरीज का शायद लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो एक्स वाई इक्वल ई टू द पावर एक्स माइनस वाई गिवन है और डिवाइड बाई डीएक्स पता करना है। तो इसको कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ से आपको दिया है एक्स वाई इक्वल ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। तो यहां से आप ये देख कर सकते हैं, इसमें जो हम कर सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, पावर अगर प्लस हो रही होती है तो पावर अलग अलग हो जाती है, तो यहाँ पर माइनस के साथ प्लस है तो ये अलग अलग कर सकते हैं आप, इसमें पावर का फैक्ट इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं कि डिफ्रेंसिएशन इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर यहाँ से लोग अप्लाई कर लेते, मुझे लगता है लोग अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए क्या होता है, ये गिवन है, यहाँ से लोग अप्लाई करके देखते हैं, लोग एक्स वाई इक्वल लोग ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, ये तो मुझे लगता है कि ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा लोग एक्स प्लस, सभी को आ रहा होगा लोग वाई इक्वल, यहाँ पर पावर आगे आ जाएंगी और यहाँ से लोग ई बनेगा, तो लोग एक्स प्लस लोग वाई इक्वल एक्स माइनस वाई। अब ये क्या है, लोग ई की वैल्यू वन हो जाती है, तो इसको वन लिख सकते हैं आप। तो आगे देखते हैं, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आपको डी अपॉन डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही काम हो जाएगा। डी अपॉन डी एक्स लोग एक्स का फार्मूला आपका वन अपॉन एक्स आता है, और डी अपॉन डी एक्स लोग वाई का फार्मूला वन अपॉन वाई आएगा, लेकिन वन अपॉन वाई के साथ डिवाई अपॉन डी एक्स आएगा, जहाँ भी वाई का करते हैं डिवाई अपॉन डी एक्स लगाते हैं। इधर चलते हैं राइट के राइट में एक्स माइनस वाई, जब एक्स पर लगेगा तो उसका वन बन जाएगा, और जब वाई पर लगेगा तो डिवाई अपॉन डीएक्स आएगा। चलिए अब क्या होता है कि डीवाई अपॉन डीएक्स वाली टर्म एक साथ कर लेते हैं, वन अपॉन वाई डीवाई अपॉन डीएक्स और प्लस डीवाई अपॉन डीएक्स इक्वल वन माइनस वन अपॉन एक्स, ये आ जाता है। तो मुझे लगता है कि वन अपॉन वाई और प्लस वन, इसके साथ डीवाई अपॉन डीएक्स कॉमन, इधर वन माइनस वन अपॉन एक्स, ये जाता है। इसके बाद आप देखें कैसे सॉल्व होगा, ये आया है आपके पास वन अपॉन वाई प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वन माइनस वन अपॉन एक्स, चेक कर लेते हैं क्या यही है, वन अपॉन वाई प्लस वन डिवाइड अपॉन डी एक्स वन माइनस वन अपॉन एक्स, यही है। तो आप इसको करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वन माइनस वन अपॉन एक्स, तो ऊपर रहेगा और ये टोटली डिवाइड में जाएगा वन अपॉन वाई प्लस वन। अब इनका एलसीएम फैक्ट यूज करेंगे, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, डिनोमिनेटर देखो एक्स इधर मल्टीप्लाई कराएगा माइनस वन अपॉन एक्स, और नीचे ऐसे ही बनेगा वन प्लस वाई अपॉन वाई।
तो मुझे लगता है कि वाई ऊपर जाएगा और एक्स नीचे जाएगा, तो वाई अपॉन एक्स यहाँ आ जाएगा और इसके साथ एक्स माइनस वन और नीचे आपका वाई प्लस वन। इसके हिसाब से आंसर देख सकते हैं कौन सा है, वाई अपॉन एक्स। वाई अपॉन एक्स के सभी वाई अपॉन एक्स, ये भी है ये भी है ये भी है, वाई अपॉन एक्स के तीनों। आगे क्या है अपने आंसर में, आगे है एक्स माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन। एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन। देखो एक्स माइनस वन इसमें है और इसमें है, बट नीचे वाई प्लस वन चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। ध्यान से इस तरीके से तो इसका इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तो शायद डिसबैलेंस हो गए, कितने चल रहे हैं, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ से वाई इक्वल लॉग एक्स अपॉन वन प्लस एक्स है और डीवाई अपॉन डी एक्स पता करना है। तो लॉग वाले क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री में लॉग के क्वेश्चन या ओनली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, या मतलब ट्रिग्नोमेट्री की बात ना करें तो डिफ्रेंसिएशन में लॉग वाले क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री साइन कोस इस तरीके के रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पता किए जाते हैं। तो यहां से लॉग वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। वाई है आपका वाई इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। चलिए इसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जहां तक उम्मीद याद हो गई होगी डिवाइड हो रहा है यहां पर, तो लॉग एक्स माइनस हो जाएगा और वन प्लस एक्स। इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। लैंग्वेज लिख सकते हैं आप, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा और इधर लॉग एक्स का डी अपॉन डी एक्स जब करेंगे तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा, माइनस लॉग के अंदर जो भी है वो वन अपॉन में जाएगा, और अगर ये एक्स नहीं है कुछ और है तो उसका भी होगा। ये वन प्लस एक्स है तो इसका भी कर लीजिए। यहाँ से आप देखें वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो वन अपॉन एक्स रह गया और माइनस सॉरी माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स और यहाँ पर वन का जीरो एक्स का वन, मिलाकर फर्क कुछ नहीं हुआ है क्योंकि तो वन प्लस एक्स था, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स, ये इसका आंसर हो सकता है। अब ये तो कोई सा नहीं है, तो वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स, इसका एलसीएम लेते हैं, एक्स के साथ वन प्लस एक्स जाएगा, तो यहाँ से वन प्लस एक्स और माइनस एक्स जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये वन अपॉन एक्स और वन प्लस एक्स, ये इसका आंसर आएगा। शायद ऑप्शन डी यही होगा, मुझे लगता है इसमें डी शायद आया नहीं है, तो डी आंसर वन अपॉन एक्स वन प्लस एक्स, ये आंसर माना जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस एक्स। साइन एक्स का कोस एक्स के रिस्पेक्ट, जब जब रेस्पेक्ट में कुछ और आ जाता है तब मुझे लगता है, जब रेस्पेक्ट में कुछ और होता है तो क्वेश्चन हम करेंगे दो वेरिएबल सपोज करके, वाई वन इक्वल साइन एक्स और वाई टू इक्वल कोस एक्स, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ से आप डी वाई वन अपॉन डी एक्स कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कोस एक्स, और यहाँ से डी वाई टू अपॉन डी एक्स कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट, ये मिल जाएगा माइनस का साइन एक्स। ये सिंपली बेसिक तरीका है। अब आपको डी वाई वन अपॉन डी वाई टू पता करना है, ये पता कैसे कर रहे हैं कि पता क्या करना है, साइन एक्स आपका वाई वन है और कोस एक्स आपका वाई टू है, और जिसके रेस्पेक्ट मांगा है वो कोस एक्स है और कोस एक्स आपने वाई टू सपोज किया है, तो जिसके रेस्पेक्ट मानते हैं वो अपॉन में जाता है, चला गया। अब इसका फार्मूला तो ये है, मतलब फाइंड तो ये करना है बट पता कैसे करें, तो आप क्या करेंगे वाई वन के अपॉन में
dx और dy2 के अपॉन में dx लगा देंगे। तो ये वैल्यू तो आपको पता है, ये भी पता है, और dx लगाने का फायदा भी नहीं, नुकसान भी नहीं होगा कुछ, क्योंकि बैलेंस हो रहा है, नीचे से कट हो रहा है। तो dy1 अपॉन dx की वैल्यू cos x है, और ये dy2 अपॉन dx की वैल्यू माइनस साइन x है। तो मुझे लगता है कि आंसर आ गया माइनस कोट एक्स, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए बेसिक लेवल के, कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल भी था, बट मोस्टली बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स तक क्वेश्चन पता किए जाते हैं। और जो बड़े क्वेश्चन है वो शायद नेक्स्ट लेवल में हम करेंगे, जो एडवांस लेवल होगा इस चैप्टर का, हम शायद एक वीडियो और बनाएंगे इस पर, जो कुछ इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन होंगे, थोड़े से एडवांस, थोड़े हार्ड लेवल के होंगे। तो पहले इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करें, इतनी जानकारी करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं।